हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कम से कम समय में कंप्यूटर की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी तक बताया जाए, और आप सभी का जो कन्फ्यूजन रहता है कि किस बुक से कंप्यूटर को पढ़ा जाए, ताकि कम से कम समय में सारे कॉन्सेप्ट का पता लग सके और आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम एग्ज़ाम में स्कोर हो सकें। तो इस वीडियो का मकसद था यही। तो आप अगर इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो पाएंगे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर को लेकर, बेसिक से सभी एडवांस के कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएंगे। तो आप अगर पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही फायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, और नो डाउट आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हुए सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिले हमें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। दरअसल कंप्यूटर एक जनरल पर्पज मशीन है, जो कि इसमें डिजिटल सर्किट लगा होता है और ये काम करता है इनपुट को एक्सेप्ट करने का, उस इनपुट को स्टोर करता है, उसे मैनिपुलेट यानी उस पर काम करता है, फिर उसका आउटपुट जनरेट करता है, और ये आउटपुट आपके नंबर, टेक्स्ट यानी कोई भी लेटर, ग्राफिक या कोई आवाज़ या वीडियो फाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल हो सकता है, और ये सारे जो काम होते हैं ये सभी इंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है, और इस इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए। यहाँ पे जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यहाँ पे आप इस याद रख सकते हैं, एलन टर्निंग इसका नाम है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को। फर्स्ट प्रोग्रामर हैं लेडी एडा लोवेली। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था एनियक 1946, और बनाने वाले थे जेपी एकर्ट और जे डब्ल्यू मॉकली। उसके बाद से फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस किया गया था आईबीएम के द्वारा, और इसको बनाया गया था 1981 में। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स होता है वह होता है पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? दरअसल जो कंप्यूटर में लगा रहता है हार्डवेयर, जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर केस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसे सारे जो पार्ट्स होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और इसमें और भी पार्ट्स हैं जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड जो कि सीपीयू में लगा रहता है, वीडियो कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिसे हार्डवेयर के श्रेणी में देखा जाता है। इसके बाद से आता है मेन पार्ट्स में इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, जैसे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, वैसा डिवाइस कंप्यूटर का जो इनपुट लेने का काम करता है, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है जो कि डाटा प्रोवाइड करता है, कंट्रोल सिग्नल टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सिग्नल को ये प्रोसेस करता है, और उसके बाद से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन का अप्लायंस करता है। अगर इनपुट डिवाइस देखें तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, माउस हो गया, यहाँ पे एक माइस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, जॉयस्टिक है जिसे गेमिंग के लिए यूज होता है उसे जॉयस्टिक कहते हैं, आपने देखा होगा उसे। इसके बाद से जो मेन पार्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, कीबोर्ड जिसे हम टाइप करते हैं, यह भी एक कंप्यूटर का मेन पार्ट्स के अंदर में आता है। और इस पे क्या होता है कि जो हमारा इनपुट देते हैं कीबोर्ड के द्वारा, ये क्या करता है कि डाटा का एंट्री करने में हेल्प करता है। फिर आता है माउस। माउस तो आप सभी ने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। कंप्यूटर का जो माउस होता है उससे भी हम डाटा इनपुट करते हैं, सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को, उसको कर्सर को आप अपने आवश्यकता अनुसार मूव कराते हैं, फिर सेलेक्ट करने का काम करते हैं। लेफ्ट माउस बटन होता है, राइट माउस बटन होता है, और उसमें बहुत सारे फंक्शन दिए होते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं जैसे कि हम लोग अभी ऐसे कर रहे हैं स्क्रॉलिंग, तो ये सभी जो होता है काम वो माउस के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद से आता है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल भी, और इसे मोशन डाटा एंट्री के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एक सर्व करता है सेम पर्पज एज माउस, यानी माउस के लगभग लगभग सेम इसे आप मान सकते हैं। देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट डिफिनीशन के रूप में आ सकते हैं, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए और सभी का फंक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद से आता है बारकोड रीडर, जो कि बारकोड रीडिंग के काम करता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा शॉपिंग मॉल या फिर बहुत सारे मार्ट में आपने देखा होगा बारकोड रीडर रहता है, उसको स्कैन करने से यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है और वो ऑप्टिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और उसको यहाँ पे एक मीनिंगफुल सिग्नल बताता है और उससे पता चलता है उसके इंफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद से जो मेजर पार्ट है डिजिटल कैमरा, ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है जो कि डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में और उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। फिर गेम पैड हो गया, एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स हो गया, जॉयस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया ही। उसके बाद से यहाँ पे माइक्रोफोन हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है साउंड एनर्जी इसमें कन्वर्ट किया जाता है। स्कैनर को आप जानते हैं, स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स स्कैन करता है, उसके बाद से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और इमेज को इंटरनेट यूजर्स को प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR, यह एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल कन्वर्जन है इमेज टाइप का या हार्डवेयर जो भी हैंड रिटन है या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको मशीन कोडेड इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि OCR का फुल फॉर्म, ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि OCR स्टैंड फॉर, तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद से मेन पार्ट है डिजिटाइजर, यानी ये कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल के रूप में। इसके बाद से आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडिंग यानी OMR, इसका यूज बहुत सारे लोग जानते होंगे, एग्ज़ाम के जो आंसर शीट होते हैं उसको यहाँ पे चेक करने के लिए किया जाता है। अगर आप उसको पेंसिल से करते हैं या बॉल पेन से करते हैं तो उसे ये रीड करता है और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए होते हैं जो कि प्री डिफाइंड पोजिशन होते हैं, उसमें ये पता लगाता है क्वेश्चन को या फिर टिक लिस्ट प्रॉम्प्ट दिया रहता है। तो ये सारे फंक्शन ये काम करते हैं जो मेजर पार्ट थे कंप्यूटर के। अब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है CPU का, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं CPU का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी CPU है, और इसमें मेन मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज जो रहता है उसे रैम बोलते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज है, और यहाँ पे इसका आउटपुट आता है और इनपुट, इनपुट आता है CPU में, फिर इसका यहाँ पे स्टोरेज होता है और उसके बाद से आउटपुट होता है और इसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके बाद से CPU के बारे में और भी यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। जो CPU होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कंप्यूटर में लगा रहता है और ये इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन पे काम करता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है। और ये क्या करता है कि जो बेसिक अरिथमेटिक होता है काम या लॉजिकल होता है या कंट्रोल या इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑपरेशन जो होता है इंस्ट्रक्शन में जो भी यहाँ पे काम दिया जाता है इसको काम करता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे CPU को हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा गया है। फिर CPU प्रोसेस क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है यानी उसे पकड़ता है, फिर उस पर काम करता है इंस्ट्रक्शन को, फिर डाटा को ये पकड़ता है, फिर प्रोसेस करता है डाटा को, उसके बाद से डाटा को ये राइट करता है आउटपुट देता है। यहाँ पे अब आउटपुट डिवाइस क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि डाटा को भेजने का काम करता है एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस में या फिर यूजर को। यहाँ पे बहुत सारे जो डाटा आउटपुट होते हैं वो ह्यूमन को यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं जैसे कि ऑडियो या वीडियो के रूप में। और यहाँ पे जो मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जैसे कि जो स्क्रीन पे दिखता है उसे मॉनिटर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ दिखता है उस स्क्रीन को ही मॉनिटर बोला जाता है, जो कि टीवी की तरह लगा रहता है।
और ऑनलाइन एग्जामों में आप सभी लोग यूज किया होगा मॉनिटर, वहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद से मोनोक्रोम डिस्प्ले होता है, उस पर कलर डिस्प्ले भी लगा रहता है। दो टाइप के यहाँ पे मॉनिटर हैं जो कि अब मैं बताने वाला हूँ। दो टाइप के मॉनिटर, जैसे कि एक सीआरटी, जिसका मतलब है कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी। और ये कैसा मॉनिटर है, इसमें क्या होता है कि जो कैथोड रे ट्यूब होता है, एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन होता है, और फोटो यहाँ पे फॉस्फोसेंट स्क्रीन जो होता है इसमें यूज किया जाता है, ताकि इमेज को दिखाया जाए जो भी डिस्प्ले कराना हो, उसके लिए यहाँ पे फॉस्फोरेंट स्क्रीन यूज होता है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। दूसरा जो मॉनिटर टाइप है, ये है एक थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये बहुत बड़ा नाम लग रहा है, TFT LCD। TFT LCD, तो TFT आप याद रखिए, उसके बाद से LCD तो सभी कोई जानते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और एक वेरिएंट है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, यानी LCD का ही एक टाइप है। और इसमें क्या होता है कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया TFT। और इसका काम यही है कि यह इमेज का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, और उसको अच्छे से यहाँ पर दिखाता है, कंट्रास्ट अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज होता है। उसके बाद से आता है प्रिंटर, जो कि आप जानते हैं, यूज भी किए होंगे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटिंग टेस्ट कल्च और पिक्चर के लिए। इमेज प्रिंटर एक, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है एक ऐसा प्रिंटर है जो कि स्ट्राइक करता है प्रिंटर हेड अगेंस्ट इंक रिबन टू मार्क द पेपर। पेपर को मार्क करने के लिए इसमें एक प्रिंट हेड लगा रहता है, जैसे यहाँ पे कॉमन एग्जांपल जैसा है डॉट मैट्रिक्स, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, या फिर डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि ये कैरेक्टर को प्रिंट करता है बिना रिबन इसमें यूज किए हुए। और जो दो मुख्य जो टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, जैसे इंकजेट प्रिंटर जो कि स्मॉल ड्रॉप इंक यूज होता है प्रत्येक पेज में, और लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। और इसमें क्या होता है कि रोल इंक लगा रहता है जो कि एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में यूज होता है। अब आते हैं मेमोरी पर। मेमोरी पे पढ़ने से पहले आप सभी को मैंने डिटेल में मेमोरी के बारे में बताया है, प्रिंटर के टाइप्स भी बताए हैं, सारे वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें आपको एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आप एग्ज़ाम से पहले आप इसे एक से दो बार ज़रूर देख के जाएँ, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। मेमोरी, मेमोरी तीन प्रकार के यहाँ पे दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक रैम दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का जानते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम तीन प्रकार के होते हैं, वैसे रोम पांच प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन प्रकार के दिए गए हैं, पी रोम यानी प्रिंटेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद से आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आप हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD हो गया, DVD, जिप डिस्क, ये सभी जो पेन ड्राइव होते हैं, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में आते हैं। तीसरा हमारा है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होते हैं वो कुछ समय के लिए सिस्टम में स्टोर किए जाते हैं, ताकि ब्राउजिंग फीचर इनेबल हो सके, फास्ट काम कर सके। उसके बाद से यहाँ पे अब देखते हैं सभी के बारे में अच्छे से। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, उसके बारे में रजिस्टर के बारे में पहले देखते हैं। रजिस्टर क्या है कि एक प्रकार से एक छोटा सा सेट है डाटा का, जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। बहुत ही छोटा जगह होता है डाटा स्टोर करने के लिए, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, और ये एक कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है। रजिस्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को रखता है, स्टोरेज एड्रेस रखता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ रखी गई है, उसके इंफॉर्मेशन रजिस्टर रखता है। और एक कोई भी काइंड का डाटा, जैसे कि बिट सीक्वेंस या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टर, सब कुछ रजिस्टर को स्टोर करना होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं रजिस्टर का वो एक इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है।
अब यहाँ पे जो रैम होता है, रैम के बारे में देख लेते हैं, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और रैम जो होता है एक प्रकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का, जो क्या करता है मदरबोर्ड पे जनरली लगा रहता है। मदरबोर्ड जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक साइड में रैम लगा होगा और उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी रहती है। और यहाँ पे जो रैम होता है ये वोलाटाइल होता है, कि वोलाटाइल इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम ऑफ हो जाए तो इसमें का डाटा ख़त्म हो जाएगा और जो यहाँ पे रैम में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि सिस्टम ऑफ होने पे डाटा लॉस हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिए कि रैम वोलाटाइल होता है और जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। दो टाइप के जो रैम यहाँ पे होते हैं, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम मतलब क्या कि मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड, यानी जो भी मेमोरी आप यूज कर रहे हैं उसमें आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली बार बार। और यहाँ पे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी दैट कंटेन्स फिक्स इन्फॉर्मेशन एंड रिटेन्स इस प्रोग्राम स्टेट एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। तो यहाँ पे पावर जब तक ऑन रहेगा वह तभी तक इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये स्टोर रखने में सक्षम है। उसके बाद से जो वर्चुअल मेमोरी है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू कंपेंसेट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फिजिकल मेमोरी बाय टेम्पोररी ट्रांसफॉर्मिंग पेज ऑफ डाटा फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी टू डिस्क स्टोरेज। यानी वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, फीचर कह सकते हैं, जो ये करता है क्या है कि जो भी रैम से डिस्क स्टोरेज में डाटा को पेज को ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए ट्रांसपोर्टली एक लिंक बनाता है, फिजिकल मेमोरी बनाता है और उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा रोम, जो कि मेन मेमोरी का ही पार्ट है। और इसमें जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा होता है एक बार लिखा जाता है चिप पे तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है और उसमें कोई भी यहाँ पे मिटाने का डिलीट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। और जो भी यहाँ पे मेन मेमोरी होता है जैसे कि रैम और रोम, वो क्या करता है कि कंटेंट इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रोम इज रेफर टू एज नॉन वोलाटाइल, तो इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं। यहाँ पे तीन टाइप्स के रोम होते हैं, यहाँ पे तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को तीनों टाइप्स के फुल फॉर्म याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म डायरेक्टली किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। पी रोम, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है कि एक इनिशियली में ब्लैंक रहता है और जो यूजर होता है या फिर जो बनाने वाले होते हैं वो इस पे डाटा को या प्रोग्राम को लिखते हैं कि यूज करके स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं। इस स्पेशल डिवाइस का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है या डाटा होता है जो इस पे लिखा जाता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ईरर आता है लिखने के समय या डाटा डालने के समय तो जो ईरर होता है उसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए पी रोम जो चिप होता है वो अनस्टेबल यानी अनयूजेबल यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो रैम यहाँ पे, दूसरा जो रोम है वो है ई प्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है कि जो ये एक रोम का टाइप्स है जो कि इनिशियली ये भी ब्लैंक रहता है, लेकिन इस पे यूजर और मैन्युफैक्चरर जो लिखते हैं प्रोग्राम या डाटा उसको स्पेशल डिवाइस से ही लिखते हैं और इस पे जो प्रोग्राम डाटा लिखा जाता है वो इरेज किया जा सकता है बाई स्पेशल डिवाइस या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसलिए इस पे जो डाटा होता है ईप्रोम पे लिखा जाता है वो चेंज भी किया जा सकता है, और जो ईप्रोम पे जो डाटा होता है न्यू डाटा होता है वो ऐड भी किया जा सकता है। और ईप्रोम इज ऑल्सो इन यूज वेन इट्स कॉन्टेंट्स कैन बी रीड, तो इसका भी यूज कर सकते हैं जब इसे लिखा जाए तभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस आप दोनों में देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तीसरा जबकि यहाँ पे है डबल डबल पीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये भी एक प्रकार का रोम है जो लिखा जाता है या चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यानी इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा चेंज किया जा सकता है और इसको स्पेशल डिवाइस के द्वारा किया जाता है और इसको चेंज किया ही नहीं जाता है।
और इसमें जो है रोम जो है इसमें डाटा स्टोर इन दिस टाइप ऑफ रोम चिप कैन बी इजिली मॉडिफाइड, तो ये इजिली मॉडिफाइड हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से आता है हमारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी को आप लोगों ने जानना होगा, कैच मेमोरी जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि डू यू वांट टू स्टोर कैच मेमोरी। तो उसमें क्या होता है कि जो कैच मेमोरी होता है एक स्टोर है जो कि टेम्पोरली या फिर कुछ समय के लिए आपका जो यहाँ पे स्टोरेज रखने का काम होता है वो कैच मेमोरी में किया जाता है। और कैच मेमोरी जो होता है ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी और यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम वर्सेस रोम, तो रैम वर्सेस रोम यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फंक्शन में देखें, फंक्शन के लिए तो रैम में क्या है, स्टोर करेंटली एक्टिव प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा। तो जो एक्टिव प्रोग्राम होता है उसी को ये स्टोर करता है और उसके डाटा को स्टोर करता है। रोम जबकि है, रोम एक स्टोर करता है सर्टेन फिक्स्ड राउटिंग रूटिंग सच एज बूट अप रूटिंग्स। ठीक, अगर वोलाटाइली देखें तो वोलाटिलिटी में क्या होता है कि रैम वोलाटाइल होता है यानी डाटा इसका ख़त्म हो जाता है जब कंप्यूटर ऑफ हो, तो इसका डाटा लॉस हो जाता है। जबकि रोम में ऐसा नहीं है, रोम नॉन वोलाटाइल होता है और कंप्यूटर का जो स्विच ऑफ होता है तो यहाँ पे डाटा लॉस नहीं होता है। तीसरा जो है इसका डिफरेंस, चेंजेबल यानी कंटेंट ऑफ रैम कैन बी चेंज और डिलीट, कंटेंट ऑफ रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। तो यहाँ पे आप तीनों के जो फीचर दिए गए हैं और डिफरेंस है सबको आप याद रखिए। अब नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में कैसे होता है, किस तरह का मेमोरी यहाँ पे सिस्टम होता है, कैसे कैसे स्टोर होता है, ये सब कुछ देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है उसको बाइट में एक्सप्रेस किया जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और जो डाटा होता है उसको बाइनरी डिजिट जिसको जीरो और वन बोला जाता है। आईआरकी देखें तो सबसे पहला आता है निब्बल, फिर उसके बाद आता है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे जितने इसमें ज़्यादा आपके मेमोरी होंगे उतना ही ज़्यादा इसका यहाँ पे सिंबल दिया जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि ASCII का सी का फुल फॉर्म क्या है, सी का मतलब क्या है। तो सी का मतलब है यहाँ पे कोड, यह एक स्टैंडर्ड कोड है, अथॉरिटी यहाँ पे कोड बनाया गया है जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए किया गया है टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स मोर देन 64 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 4 बिट होगा तो यहाँ पे निब्बल होगा, 8 बिट होगा तो 1 बाइट होगा, 1024 बिट होगा तो यहाँ पे 1 किलोबाइट होगा, 1024 किलोबाइट होगा तो 1 MB होगा, फिर यहाँ पे 1024 MB में 1 GB होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे दिया गया है चेंज करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1024 MB में कितने GB होते हैं तो आपका आंसर होगा 1 GB। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि 1024 GB में कितने टेराबाइट होते हैं, इसका आंसर होगा 1 TB। तो इसी तरह आप टेबल को इसको ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी देख लिया है जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, अब सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी है एक ऐसा कंप्यूटर मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता है सीपीयू के द्वारा, बल्कि यह अवेलेबल होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में। यह कभी ख़त्म नहीं होता है, सिस्टम चाहे ऑफ हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए ये हमेशा के लिए रहता है। आप इसे दूसरे सिस्टम में भी निकाल कर यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क जैसे देखा होगा आप लोगों ने। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ दिस कंप्यूटर इज द हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स, अदर प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूडिंग डिस्क ड्राइव फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए भी यूज होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, DVD का फुल फॉर्म,
एज वेल एज रिमूवल फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव हो गया या फिर मेमोरी कार्ड हो गया। यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं जैसे कि हार्ड ड्राइव। यह एक रिजिड नॉन रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क होता है जो कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा डिस्क सिस्टम है जो कि डिस्केट और जस्ट डिस्क टाइप होता है। डिस्क स्टोरेज कंपोज ऑफ डिस्क ऑफ ए थिन थिन यानी यहाँ पे क्या है कि जो फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम रहता है और सील्ड एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कैरेज होता है जिसको फैब्रिक किया जाता है और यहाँ पे रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल को। फ्लॉपी डिस्क आर रीड एंड रिटन बाय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तीसरा मेमोरी है मैग्नेटिक टेप जिसको यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग साउंड में पिक्चर के लिए या फिर कंप्यूटर डाटा के लिए। फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं एक मेमोरी कार्ड की तरह जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का ज़रूरत नहीं रहता है, आप सभी ने इसका यूज किया होगा। मेमोरी कार्ड का यूज मोबाइल में पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी फ़िलहाल इसका यूज बहुत कम है क्योंकि इंटरनल मेमोरी ही इतना ज़्यादा मिल जाता है सभी को। उसके बाद से आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम है डैट कैन बी रिटर्न टू एंड रीड यूजिंग ए लो पावर्ड लेजर बीम। लो पावर्ड लेजर बीम के द्वारा ये पढ़ाई करता है यानी डाटा को रीड करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, आइए अब देख लेते हैं। जैसे कि सीडी रोम जो कि रीड ओनली यानी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको दुकानों में बेचा जाता है सीडी रोम के द्वारा। स्टैंडर्ड स्टोरेज जिसका होता है 640 MB। सीडी रोम यहाँ पे सीडी ओर्म है जो कि रीड वंस रीड मैनी यानी राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। तो आप सभी ने देखा होगा अगर आपने कभी सीडी का यूज किया होगा, एक बार लिखो और बार बार यूज करो ऐसा इसका काम होता है। रीड राइट, रीड राइट मतलब रीडेबल मल्टीपल टाइम्स, उसको बार बार आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। डीवीडी जो कि सिमिलर होता है सीडी के लिए लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है वो ज़्यादा होता है सीडी के कंपैरिजन में। उसके बाद से जो ऑर्म होता है वो डाटा स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है जो कि वंस रिटर्न कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है आई थिंक मदरबोर्ड, जिसमें बहुत सारे जो सर्किट होते हैं वो लगे होते हैं, और एक इनसाइड कंप्यूटर होता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो कंप्यूटर का होता है इसी से कनेक्टेड होता है। इसमें सीपीयू में सॉकेट होता है, रैम होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है जैसे के लिए यहाँ पे डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड एक्सपेंशन कार्ड का यहाँ पे एग्जांपल है ये सब, साउंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है या स्टोरेज कार्ड, ये सारे एक्सपेंशन कार्ड के एग्जाम्पल है। इट कैन बी ऑल्सो हुक अप टू ड्राइव, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, फ्रंट पैनल पार्ट्स एंड विथ केबल राइट्स, यानी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सभी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं और सारा जो फंक्शन होता है वो सीपीयू से डिसाइड होता है लेकिन सर्किट मदरबोर्ड में ही लगा रहता है। अब इसका यहाँ पे जो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जनरेशन के बारे में पढ़ा जाता है। तो या इसको जनरेशन से जनरेशन को पढ़ने से पहले इसका जो डेवलपमेंट है उसके नज़र देखते हैं। एबेकस, एबेकस क्या है कि यह एक पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस था जो साइंटिस्ट ने बनाया था और उसका काम जो था वो जोड़ने घटाने के लिए यूज किया जाता था। एबेकस जो था वो लकड़ी फ्रेम का बना होता था और इसमें रॉड भी लगा रहता था जो कि इसमें राउंड बीट्स स्लाइडिंग ऑन द रॉड यानी जो राउंड राउंड करके इसमें रॉड लगे रहते थे और इसका जो काम था मेनली वो जोड़ने और घटाने का था यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद से कंप्यूटर के कुछ डेवलपमेंट में एक नया दौर आता है, पास्कल कैलकुलेटर आता है। पास्कल कैलकुलेटर जो कि 1642 में आता है जिसको ब्लेसे पास्कल जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था। इसका काम था मशीन को यहाँ पे पैसल जो पास्कल जो थे वो कैलकुलेटर इसका नाम रखे थे और ये पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था डिजिट विद द हेल्प ऑफ गियर इन इट। तो इसमें गियर लगे रहते थे और उसी की मदद से ये डिजिट का पोजीशन को बताता था किस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। इसके बाद से थर्ड आता है एनालिटिकल इंजन। ये साइंटिस्ट जो थे इंग्लैंड से थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज,
और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इन्होंने ये मशीन बनाया और इस मशीन का नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। और ये ठीक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की तरह ही दिखता था। और इसका जो फीचर था वो आज के लैंग्वेज में कहें तो कंप्यूटर के तरह ही इसका फीचर था। और इसके यहाँ पे जो ग्रेट इन्वेंशन इसको बताया गया, चार्ल्स बेबेज का जो था वो ग्रेट इन्वेंशन बताया गया, और इसी कारण से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाने लगा। इसके बाद से आइए अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो पहला जो जनरेशन था इसमें आपको कैसे याद रखना है, जनरेशन जो था उसका टाइम पीरियड, उसका कंपोनेंट और उसका लैंग्वेज और कुछ एग्जांपल। तो पहला जो जनरेशन था वो था 1940 से 1956 के बीच में, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था और ये मशीन लैंग्वेज पे आधारित था। और एग्जांपल इसका है यूनिवैक और इडवैक। इसका फुल फॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्जांपल याद रखिए। इसके बाद से दूसरा जनरेशन आता है 56 से लेकर 63 तक। यहाँ पे 40 से 56, फिर 56 से 63, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आता है और ये होता है असेंबली लैंग्वेज पे, जैसे कि IBM 1401। फिर तीसरा आता है 64 से लेकर 71 तक, और ये बना होता है IC पे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पे, और इसमें रहता है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका जैसे एग्जांपल है IBM 360। इसके बाद से फोर्थ जनरेशन आता है 71 से लेकर अभी तक, यानी अभी भी इसका यूज हो रहा है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर है और 4GL है, और ये एग्जांपल पेंटियम सीरीज आप सभी ने यूज भी किया होगा। फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर, यानी अभी इसमें जब तक कोई न्यू इन्वेंशन नहीं होता है तब तक, और इसमें क्या है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, रोबोटिक्स इसका एग्जांपल है। इसके बाद से आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने टाइप्स में बांटा गया है, कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम यानी काम करने के तरीके से बांटा गया है कंप्यूटर को। पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है डिजिटल कंप्यूटर, और ये यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए विथ क्वांटिटीज यूजिंग डिजिट्स, यूजुअली यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे मैकबुक हो गया, ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर ये काम करता है डिजिट को कंपेयर करने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, और यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेट करता है ये काम मेजरेबल क्वांटिटीज एज वोल्टेज और रोटेशन। तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर, दोनों को मिला देंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा, और ये काम करता है आइदर डिजिटल और एनालॉग फॉर्म और टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिजिटली। इसके बाद से जो कॉन्सेप्ट है यह है क्लासिफिकेशन ऑन साइज। पहला जो था वो क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग पैटर्न यानी किस तरह काम करता है उसके बेसिस पे, अब साइज के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो साइज के बेसिस पे ही देखने को मिलता है, तो इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिफिनीसन याद करना है, क्योंकि डिफिनीसन से ही पूछ सकता है कि यहाँ पे दे सकता है कि एक मैन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है डैश इज अ कंप्यूटर वेरी लार्ज कंप्यूटर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, और उसे क्या कहते हैं तो उसे मैन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, मैन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में यूज होता है, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज होते हैं उसमें लगाया जाता है, और जो लार्ज कॉरपोरेशन है उसमें रहता है। और ये सारे पांच जो कंप्यूटर हैं सभी के बारे में मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया है वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना है तो। दूसरा जो कंप्यूटर है वह है मिनी कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर विथ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज स्मॉलर देन दोज ऑफ मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन इसका जो
ये माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे साइज़ में देखें तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, ये सबसे छोटा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन द स्मॉलर स्केल एंड इन जनरली सिंकोनिम फॉर द मोर कॉमन टर्म पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के रूप में जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। और ये कंप्यूटर होता है किसी एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल, जैसे हम लोग आप लोग यूज करते हैं सिंगल लैपटॉप, उसे माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। और यहाँ पे चौथा है पर्सनल कंप्यूटर, यह भी एक पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है फॉर इंडिविजुअल यूजर, बहुत ही कम दाम होता है। और इसका जो यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे रहता है और इनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन इंटायर सीपीयू ऑन वन चिप। पूरे जो मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा जो सीपीयू होता है सिर्फ एक ही चिप में लगा देते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और एम्प्लॉयड फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा मौसम विभाग में यूज किया जाता है। तो ये सब काम जो होता है वो कॉस्टली है और इसका काम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे कंप्यूटरों को मिलाकर एक सुपर कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा ये जो था वो पहला तो बेसिक था, अब धीरे धीरे मेमोरी भी हम लोगों ने पढ़ा, फिर अब पढ़ेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें जो दो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि एक प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं सभी कंप्यूटर का जो सेट होता है उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जो कंप्यूटर होता है नेटवर्किंग में लगा रहता है और उस सभी को हम लोग नोड कहते हैं। जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर के बीच में वो केबलिंग या फिर इथरनेट केबल या फिर वायरलेस और रेडियो वेव्स के द्वारा यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसको याद रख सकते हैं आप, क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल सकता है कि कैसे कंप्यूटर का कनेक्शन होता है केबलिंग से, इथरनेट से, वायरलेस से या फिर रेडियो वेव से। जो कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उस इंटरनेट को एक्सेस करते हैं या फिर प्रिंटर करते हैं या फिर फाइल सर्वर काम करते हैं या फिर जो भी यहाँ पे और भी डिवाइस है उसको एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे का। कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि सर्वर, रिसीवर और चैनल, तीन कंपोनेंट है। सर्वर को देखते हैं, सर्वर एक कंप्यूटर डिजाइन होता है जो कि इसका काम है प्रोसेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और उसको डाटा को डिलीवर कर देना। जो क्लाइंट अगर कोई डाटा मांग रहा है तो सबसे पहले सर्वर से उसको परमिशन मिलता है और सर्वर उस डाटा को यानी क्लाइंट को देता है और उसे हैंड ओवर कर देता है और उसको एक लोकल नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ता है सर्वर को, तभी ऐसा पॉसिबल है। दूसरा जो है कंपोनेंट वह है रिसीवर, एक हार्डवेयर मॉड्यूल होता है या डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। तीसरा कंपोनेंट है चैनल, जिस जो एक फिजिकल कनेक्शन होता है सर्वर और रिसीवर के बीच में, उसी को चैनल बोला जाता है। सपोज अगर ये रिसीवर है और ये सर्वर है तो इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसे चैनल कहेंगे। ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल क्या है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ट्रांसमिशन चैनल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स चैनल, फिर है हाफ डुप्लेक्स चैनल, फिर है फुल डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल क्या है कि एक ऐसा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है चैनल के बीच में, बिटवीन रिसीवर और यहाँ पे सर्वर, जो कि ऑपरेट करता है एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में अगर कोई काम करता है तो उसे सिंप्लेक्स कहेंगे। अगर यहाँ पे जो हाफ डुप्लेक्स है वो कब कहेगा, जब डाटा या रिसीवर डाटा रिसीव करता है बट नॉट द सेम टाइम। यानी यहाँ पे क्या होगा कि चैनल सेंड कर रहा है डाटा और उसको रिसीव करता है रिसीवर, लेकिन दोनों काम एक समय में नहीं होना चाहिए। एक बार रिसीव होगा फिर उसको एक बार सेंड होगा और फिर उसको रिसीव करेगा रिसीवर, तब इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाफ डुप्लेक्स।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है फुल डुप्लेक्स में कि डाटा का भेजना और डाटा का रिसीव करना दोनों सेम समय पे होता है, तभी उसको फुल डुप्लेक्स चैनल बोला जाता है। अब यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे डाटा कम्युनिकेशन मीडियम के टाइप्स हो गए। इस पांचों टाइप्स को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है आपका नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से है, जैसे कि नेटवर्क एडेप्टर है, एक डिवाइस है जो कि काम करता है, कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो कनेक्ट करे दूसरे कंप्यूटर से या नेटवर्क से यूजिंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की सहायता से कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क एडेप्टर। उसके बाद से आता है हब। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी नेटवर्क डिवाइस है, सभी का डिफिनीशन आपको क्लियर रखना है। और अगर आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखिए, एक ही वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो अब जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार में आपको चीज़ें याद होगी। हब जो होता है, हब एक डिवाइस है जो कि नेटवर्क कनेक्शन में बटा होता है, बहुत सारे इसमें कंप्यूटर लगे होते हैं, तो बहुत सारा हब भी यहाँ पे डेफिनेटली होगा। फिर स्विच जो होता है, स्विच एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि ग्रुप में बटा होता है और उस ग्रुप में बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट रहते हैं। यहाँ पे केबल है, केबल क्या है कि एक वन वे ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। रिपीटर क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है रीजेनरेट करने के लिए या फिर रिप्लिकेट सिग्नल, सिग्नल अगर दोबारा भेजना हो तो रिपीटर का यूज करेंगे। अगर कोई वीक सिग्नल है या फिर कोई ख़त्म हो गया है सिग्नल बीच में ही, अगर लंबा दूरी है और बीच में ही ख़त्म हो गया है तो दोबारा रिपीटर के हेल्प से उसको भेज सकते हैं। ब्रिज जो होता है वो 2 लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल लगे होते हैं। राउटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, राउटर एक मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है वायर वायर या फिर वायरलेस, तो वायर से भी या फिर बिना वायर से भी कनेक्ट कर सकता है। गेटवे क्या है, एक की स्टॉपिंग पॉइंट है। की स्टॉपिंग पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि डाटा आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आकर डाटा स्टॉप हो जाएगा। मॉडेम क्या है, मॉडेम जो होता है उसका मतलब है मॉडुलर डीमॉडुलर। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट ओवर टेलीफोन वायर और केबल टीवी, यहाँ पे कम्युनिकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग में ही टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का कितना टाइप्स होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, इसका काम क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लिंक होता है डिवाइस का विद इन अ बिल्डिंग ग्रुप और एडजेसेंट बिल्डिंग, यानी आप देख सकते हैं अगर सेम बिल्डिंग में ही आपको नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करना है तो लैन का यूज करिए। स्टार लैन हो गया, रिंग लैन हो गया, बस लैन हो गया, ये सारे टाइप्स है लैन के। दूसरा जो है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन, यह कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका काम होता है कंप्यूटर कनेक्ट करने का मे बी फार अपार्ट यानी बहुत दूर पे ही ये कनेक्ट कर सकता है। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, इसका काम क्या है, इसका काम है कि एक नेटवर्क है जो काम करेगा इंटरकनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्स इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कुछ एक डिफिनिट एरिया है, डिफिनिट एरिया सपोज इतना ही एरिया में इसको कनेक्ट करना है और पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही इसको काम करना है तो इसका यूज करेंगे। जैसे कि पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क या फिर पब्लिक सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के यानी मैन के एग्जाम्पल है। चौथा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN, यह एक कम्युनिकेशन है स्टैंडर्ड फॉर सिमुलटेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉयस वीडियो और डाटा, यानी अगर आप एट ए टाइम चाहते हैं वॉयस वीडियो और डाटा को ट्रांसमिट करना तो इस मॉड्यूल का आप यूज कर सकते हैं जो कि नेटवर्किंग का ही एक टाइप है। अब यहाँ पे टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो
यहाँ पे पांच टाइप्स के होता है। पांच टाइप्स में कौन कौन से है, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। अब यहाँ पे पांचों टोपोलॉजी के बारे में एक एक करके देखते हैं। मेश टोपोलॉजी क्या है? मेश टोपोलॉजी है कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी, जो क्या करता है, जिसमें क्या होता है कि जो डिवाइस होते हैं वो इसमें बहुत सारे रिडंडेंट इंटरकनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स, यानी बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है नोड टू नोड होता है, और इसमें यहाँ पे फास्ट टू फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि एक मेन नोड होता है और उससे यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप है जिसमें डिवाइस जो होता है कनेक्टेड इन ए रिंग, रिंग के रूप में कनेक्ट होते हैं डिवाइस और पास करते हैं इंफॉर्मेशन को जहाँ पे इसको ज़रूरत होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बस के आकार में होता है, यहाँ पे ऐसे बस टोपोलॉजी में होता है, एक लाइन होता है फिर उससे कनेक्ट होते हैं, फिर इससे कनेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह के जो टोपोलॉजी हैं उसे बस टोपोलॉजी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, वेरियस डिवाइसेज कनेक्टेड होता है, वो सिग्नल जो होता है वो सिंगल केबल यूज करता है, यानी सिंगल केबल, सिंगल लाइन ही यूज करता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि ट्री की तरह रहता है, ये क्या है कि कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस है या स्टार टोपोलॉजी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओएसआई मॉडल, जो कि नेटवर्क का ही पार्ट है। ओएसआई मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और इसमें क्या होता है, ओएसआई का मतलब पहले आप जान लें, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि इसमें स्टैंडर्डाइज करता है कम्युनिकेशन फंक्शन को, और इसमें क्या होता है कंप्यूटिंग सिस्टम लगा रहता है, और इसका जो काम रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करना, और इसमें बहुत सारे जो लेयर होते हैं ये लेयर इम्पोर्टेंट है, सभी लेयर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सेवन लेयर है जो कि ओएसआई मॉडल में होते हैं। पहला जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, और फिजिकल लेयर में क्या है कि फिजिकल लेयर में होता है कि एक फिजिकल लेयर जो होता है वो फर्स्ट लेयर होता है ओएसआई मॉडल का, जो कि बिट लेवल ट्रांसमिशन को डील करता है, और यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस और सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेसेज कनेक्टिंग टू द मीडियम, फिजिकल मीडियम फॉर सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। तो इसका काम भी होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस को सपोर्ट करना। उसके बाद से आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो होता है वो सेकेंड लेयर होता है ओएसआई का मॉडल का, और इसमें क्या होता है कि प्रोटोकॉल लेयर रहता है जो कि ट्रांसफ़र करता है डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रेम, यानी फ्रेम के रूप में बिटवीन एडजेसेंट नेटवर्क नोड्स इन अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन और बिटवीन नोड्स ऑन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट। तीसरा जो है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है, थर्ड लेवल होता है ओएसआई मॉडल का, और इसमें जो होता है वो डाटा प्रोवाइड करता है राउटिंग पाथ के बीच में फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, और डाटा जो होता है वो रेफर ट्रांसफ़र किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इसमें क्या होता है लॉजिकल नेटवर्क पाथ होता है इन ऑर्डर टू फॉर्मेट कंट्रोल बाय द नेटवर्क लेयर। चौथा जो लेयर है वह है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर चौथा जो लेयर होता है ओएसआई मॉडल का होता है इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए, इसको फॉर्मेट की सेगमेंट के फॉर्म में इसका ट्रांसमिशन करता है डाटा को, और ये क्या करता है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन बनाता है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट विद इन लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटोकॉल और नेटवर्क कंपोनेंट, दोनों के बीच में लॉजिकल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद से पांचवा आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है फिफ्थ लेयर है ओएसआई मॉडल का, और ये कंट्रोल करता है कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स, और सेशन लेयर जो होता है वो डायलॉग को ट्रैक करता है किस कंप्यूटर में कितने डायलॉग्स है, और वो सेशन को भी यहाँ पे कंट्रोल करता है।
छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको सिक्स्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं, और इसका यूज होता है डाटा को प्रेजेंट द डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर इन एक्यूरेटली प्रोवाइड करने का काम होता है वेल डिफाइंड और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये सेवेंथ लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करने का काम रहता है। और जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो समटाइम इसको सिंटेक्स लेयर भी कहते हैं। लास्ट हमारा है एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो ओएसआई मॉडल का सेवेंथ लेयर होता है, और ये TCP/IP प्रोटोकॉल में सूट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल दैट फोकस ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस एन IP नेटवर्क और प्रोवाइड फॉर्म कम्युनिकेशन इंटरफेस एंड इंड यूजर सर्विसेज। तो ये सबसे लास्ट लेयर है ओएसआई मॉडल का, और ये फाइनली इसका प्रोसेस यही है कि फोकस करे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के बीच में आईपी एड्रेस के द्वारा। डाटा ट्रांसमिशन क्या है? इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और दूसरा है वायरलेस टेक्नोलॉजी। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड है, या फिर इसको कार्ड कह सकते हैं, और ये कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इसको नेटवर्क से कनेक्टेड किया जा सके। अगर आपने कभी मॉडेम यूज किया होगा तो देखा होगा कि मॉडेम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है उसका सॉफ्टवेयर, और उसके बाद से जब मॉडेम में हम सिम कार्ड लगाते हैं तब उसके बाद से उस मॉडेम का सॉफ्टवेयर को ओपन करना रहता है, और ओपन करने के बाद से ही नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन हो पाता है। तो वो भी एक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एग्जांपल है। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? आजकल वाईफाई आप जानते हैं वायरलेस जो है कम्युनिकेशन का टाइप है, एक सिग्नल होता है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिवाइस। उसके बाद से अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेटवर्क रिलेटेड टर्म्स के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस सभी टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है कि एक सेट ऑफ रूल है या स्टैंडर्ड है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा टू एक्सचेंज डाटा और इंफॉर्मेशन विथ विच अदर अक्रॉस ए नेटवर्क। नोड, नोड क्या है कि एक कनेक्ट करता है पॉइंट, इट इज अ कनेक्ट पॉइंट है यह, और इससे बहुत सारे जो अदर ट्रांसमिशन नोड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह एक बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है या प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, और इसमें दो वेरिएंट है IP version 4 IP version 6। जो 4 वाला है वो 32 बिट का होता है एड्रेस, और जो 6 वाला है वो 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें ये पूछ सकता है कि IP version 6 में कितने डिजिट यानी हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है 128 बिट का। दूसरा, तीसरा यहाँ पे देख लिए हम लोग, अब चौथा जो टर्म है वो देखते हैं, और ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP। FTP जो होता है यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करता है फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट सर्विस पॉइंट प्रोवाइडर यानी ISP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको इंटरनेट यूज करना है सभी को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे जो Jio कंपनी है वह एक ISP हो सकता है क्योंकि वह इंटरनेट प्रोवाइड करता है सभी कस्टमर को। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर यह एक कंपनी है जो कि बैकबोन सर्विस है टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब सर्वर यह एक प्रोग्राम है जो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज करता है टू सर्व द फाइल डेट फ्रॉम वेब पेजेज टू यूजर्स ऑन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट विच आर फॉरवर्डेड बाई देयर कंप्यूटर्स HTTP क्लाइंट्स। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज को वेबसाइट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, कंटेंट है, इमेज होता है, वीडियो होता है, सब कुछ डोमेन नेम रहता है। वेब पेज है एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कनेक्टेड टू www।
होम पेज है इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट, और हाइपरलिंक है, वर्ड है, फ्रेज है या फिर इमेज है जो कि आप क्लिक करते हैं ऑन टू जंप न्यू डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद से न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलेबरेटिव और हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एक टेक्निक स्टैंडर्ड है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर ए मोबाइल वायरलेस नेटवर्क URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। एक URI है फॉर्म का, जो कि स्टैंडर्डाइजिंग नेम कन्वेंशन है फॉर एड्रेसिंग डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट या इंट्रानेट। तो URL उसी को बोला जाता है जैसे कोई भी वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट को लिंक करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है कि उस एड्रेस को कॉपी करके आप पेस्ट करिए, उसके बाद से वही एड्रेस खुलेगा, तो उसको URL कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग है जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और ये सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनसे ये कनेक्टेड होते हैं। मॉडेम एक कंबाइंड डिवाइस होता है फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आप सभी ने यूज किया होगा, पहले मॉडेम का यूज करते थे जिसमें सिम कार्ड लगाकर हम लोग एक इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते थे, और उसके लिए यहाँ पे जैसे कि डिजिटल डाटा ऑफ ए कंप्यूटर एंड एनालॉग सिग्नल ऑफ ए टेलीफोन लाइन, ये दोनों एग्जांपल हैं मॉडेम का। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर आपने सब यूज करते होंगे, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो काम करता है लोकेट रिट्राइव और डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग वेब पेजेज इमेजेज और वीडियो। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं फाइल एक्सटेंशन के नाम, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डॉट डॉक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। किसी भी अगर वर्ड डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे तो उसके नेम के लास्ट में डॉट डॉक जरूर लिखा होगा, तो आप समझ सकते हैं वो फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। डॉट PPT वैसे ही ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक फाइल है। डॉट BMP ये एक बीट मैप इमेज फाइल है। डॉट JPG ये JPEG इमेज है। डॉट XLS ये एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल है। डॉट X ये विंडो एक्सक्यूटेबल फाइल है। डॉट बैक ये बैकअप फाइल है, और भी बहुत सारे यहाँ पे एक फाइल एक्सटेंशन के नाम है यहाँ पे, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जैसा कि आप सभी को पता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वह एक प्रोग्राम या फिर अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज बाई अ कंप्यूटर। इसके बाद से सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लोडर, यहाँ पे डाटा ड्राइवर, और उसके बाद से फर्मवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के हैं टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में डिफिनीशन जो भी यहाँ दिया गया है वो समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पे पहला था, और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर्स प्रोग्राम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद से आता है हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन कैसा कैसा है, तो फंक्शन यहाँ पे है बेसिक फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो बूटिंग द कंप्यूटर, परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क,
एग्जाम्पल के लिए मैनेजिंग द वेरियस पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि माउस कीबोर्ड प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, एग्जाम्पल की कमांड लाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारे फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। स्प्रीड शीट सॉफ्टवेयर जो कि एक सॉफ्टवेयर है इंटरफेस कंसिस्टिंग ऑफ ए इंटरेक्टिव ग्रिड मेड ऑफ ए सेल इन विच डाटा और फार्मूलाज आर इंटर्ड फॉर एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। तीसरा यहाँ पे है कि वर्ड प्रोसेसर जो कि एक प्रोग्राम है या फिर मशीन फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इंटर फ्रॉम अ कीबोर्ड एंड प्रोवाइडिंग अ प्रिंट आउट। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफ़र करता है सोर्स कोड को और यहाँ पे जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहता है और उसको अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करता है विद द लेटर ऑफ एन हैविंग ए बाइनरी फॉर्म नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कि एनालिसिस करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम लाइन बाई लाइन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है स्टोरेज का रिट्राइवल का और अपडेटिंग ऑफ ए डाटा इन अ कंप्यूटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस के बारे में आप सभी ने जानते होंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम डाटा डिजाइन टू प्रिवेंट सर्च फॉर डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेज एंड अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वॉर्म्स ट्रोजन्स एडवेयर एंड मोर। तो यहाँ पे जो भी अनवांटेड यहाँ पे जो स्पैम होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हटाने का काम करता है एंटीवायरस। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बूट क्या होता है? बूट एक ऐसा प्रोसेस है इज द टाइम फॉर द वेरियस स्टेप द कंप्यूटर टेक्स आफ्टर यू टर्न इट ऑन। तो बूट प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उस समय जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है उसी समय को बूट बोलते हैं। कोल्ड बूट क्या होता है? ये स्टार्टअप होता है कंप्यूटर फ्रॉम पावर डाउन और ऑफ स्टेट ऑल्सो कॉल्ड ए हार्ड बूट। और वार्म बूट क्या होता है? री स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तो उसे वार्म बूट बोलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ने वाले हैं तो पहले इसमें हमारा पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद से तीन होते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में देख लें। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम जो होता है ये कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके द्वारा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्रोग्राम होता है वो बना होता है फॉर ऑल यूजर्स यानी सभी के लिए। और इसके बाद से देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर होम यूजर्स एंड फॉर बिजनेस यूजर्स। इट वाज फर्स्ट मेड अनाउंस बाय बिल गेट्स ऑफ सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑन 1 अगस्त 1988 एट कॉमडेक्स इन लास वेगास। और जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस है वो इसमें वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट एक्सेस एंड आउटलुक होता है ये इसके वर्सन है, ये मुख्यतः इसका जो सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि वन नोट ग्रुप इंफोपाथ और पब्लिशर इंक्लूडेड है। ये सारे इसके कंपनी के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके ये टाइप्स हैं। इसमें बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर निकल कर आते हैं लेकिन मुख्यतः जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो मैंने आपको बताया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस और आउटलुक, जिसके तीन के बारे में तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में पावर पॉइंट एमएस वर्ड और एक्सेल से। सबसे पहला जो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है कि यह एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्टोरिंग रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है नेटिव फाइल फॉर्मेट जो इसका होता है वो डिनोट किया जाता है डॉट डॉक से या फिर डॉट डॉक एक्स फाइल एक्सटेंशन इसका है। अदर टूल्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टूल्स को आप याद रखिए क्योंकि टूल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।
और पहला टूल्स जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बारे में यह एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, सच एज टाइटल या फिर पेज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट के पेज नंबर और टाइटल को दिखाने के लिए हेडर और फुटर का यूज करते हैं। दूसरा है टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो विंडो के सबसे ऊपर होता है और ये दिखाता है विंडो का नाम। मेनू बार जो होता है यह एक स्क्रीन एलिमेंट होता है एमएस वर्ड का, और ये क्या करता है, लोकेटेड रहता है बिलो द टाइटल बार और ये प्रोवाइड करता है कैटेगरी ऑप्शन। थ्रेसर्स ये एक यूज किया जाता है फाइंडिंग ए सिनोनिम फॉर ए वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। स्टाइल क्या होता है, ये चेंज करता है स्टाइल ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। फॉन्ट से आप क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। फॉन्ट साइज से आप टेक्स्ट का साइज घटा और बढ़ा सकते हैं। बोल्ड से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक से आप टेक्स्ट जो सिलेक्ट करते हैं उसको इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन से अंडरलाइन किया जाता है टेक्स्ट को। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और सेंटर से आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को या तो लेफ्ट में कर सकते हैं या राइट में या फिर उसको सेंटर में। जस्टिफाई क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। न्यू से आप न्यू एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ओपन से ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को ताकि आप जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है उसको रिट्राइव कर सकें। सेव प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, इससे आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करके प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्पेल चेकर से आप डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसमें इरर या ग्रामेटिकल इरर देख सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या उसको दूसरे डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर सकते हैं। अंडो से आप जो भी चेंज करते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो लास्ट चेंज को आप उसको अंडो कर सकते हैं, यानी उसे ख़त्म कर सकते हैं, प्रीवियस के तरह बना सकते हैं। रेंडो से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट एक्शन जो लिए हैं आप उसको अंडो कर सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक से आप कोई भी हाइपरलिंक को टेक्स्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, या इसे फंक्शन की भी बोलते हैं, फंक्शन की और शॉर्टकट की दोनों मैं आपको बताऊंगा, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारे शॉर्टकट की को आपको याद रखना है और फंक्शन की को भी ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे आप एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी मेक लेटर बोल्ड। कंट्रोल प्लस आई लेटर को इटैलिक बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू लेटर को अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इसको आप फॉन्ट का साइज जो है घटा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर, इससे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे आप पैराग्राफ या कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी कॉपी कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है। कंट्रोल प्लस एक्स कट कर सकते हैं टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी इसे पेस्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडो कर सकते हैं लास्ट एक्शन। कंट्रोल प्लस वाई रेंडो कर सकते हैं लास्ट एक्शन। F1 जो की है इससे आप क्या कर सकते हैं, गेट और हेल्प विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। F4 से आप रिपीट द लास्ट एक्शन। F7 से आप चूज द स्पेलिंग कमांड। F5 से चूज द गो टू कमांड और F12 से चूज द सेव एज कमांड। तो इतने सारे जो मैंने आपको ये बताया है स्पेशल शॉर्टकट कीज और फंक्शन, उनको आप याद रखें, इतने बहुत हैं एग्ज़ाम के लिए, इससे बाहर को देखने में नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं MS Excel। MS Excel जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। MS Excel जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और इसका काम होता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और कैलकुलेट डाटा विथ फार्मूला यूजिंग स्प्रेडशीट सिस्टम।
और इसका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रो होता है और कॉलम होता है वो इतना होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितने सारे इसमें रो और कॉलम को स्टोर कर सकते हैं। लंबी लंबी लिस्ट जब आउट किया जाता है लिस्टिंग के लिए, नाम और भी बहुत सारे उसमें रहते हैं, एज और बहुत सारे चीज़ें उसमें ऐड होते हैं रो और कॉलम में। तो आपने कभी कभी देखा होगा पीडीएफ के फॉर्म में, सभी एक्सेल के द्वारा ही बनाया जाता है। और इसमें जो फीचर होता है वो कैलकुलेशन का होता है, ग्राफिक टूल होता है, पाइवट टेबल का होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है, जैसे कि सेल जैसे कि इसमें यूज किया जाता है और इसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ए सेल कैन ऑब्टेन ए लेवल न्यूमेरिक वैल्यू और ए फार्मूला। सेल एड्रेस जो होता है वो सेल का लोकेशन बताता है स्प्रेडशीट में, वर्कशीट में, और ये डिफाइन किया जाता है बाय कॉलम लेटर एंड रो नंबर। एक्टिव सेल क्या होता है, ये एक वर्किंग जो सेल होता है उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। फार्मूला बार होता है जो कि टूल बार के टॉप में लोकेटेड रहता है, और यहाँ पे इसमें बहुत सारे एडिट लाइन होते हैं फॉर फार्मूलाज के लिए और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल एड्रेस। फंक्शन जो होता है एक्सेल का वो प्रीसेट फार्मूला होता है, और उसको इसमें बहुत सारे फंक्शन नाम होता है और आर्गुमेंट्स होता है, और फंक्शन नाम जो होता है वो बताता है एक्सेल कि किस तरह का कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। पाइवट टेबल विजार्ड यह क्या होता है, यह एक डायलॉग बॉक्स का सीरीज होता है जो गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे पाइवट टेबल बनाना है। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल इसका काम होता है, यह कंट्रोल जो होता है कंट्रोल बटन का सेट होता है, और इसका काम होता है कि फीचर को बहुत ही यूजफुल बनाए, और इसमें क्लोज टू एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू मोड दिया रहता है। स्प्रेड शीट जो होता है यह एक जेनरिक टर्म होता है एप्लीकेशन का, जैसे एक्सेल और व्हाट यू यूज टू इंटर एनालाइज और कैलकुलेट, और इसका काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोजेक्शन करना जो कि डाटा आप डालते हैं उसके बेसिस पे। और कॉमन स्प्रेड शीट होता है वो एनालिसिस चार्टिंग और बजटिंग यूज करता है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स जो होता है वह एक फंक्शन होता है, सिंटेंस ऑफ फंक्शन रेफर्स टू ऑर्डर ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट इन सम फंक्शन द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डिटरमाइंस हाउ एक्सेल सॉल्व द फंक्शन। वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट होता है जो आपको इंटर कराता है एनालाइज और कैलकुलेट डाटा। डाटा को इंटर करना, एनालाइज करना और कैलकुलेट करना इलेक्ट्रॉनिकली इसका काम है वर्कशीट का। और इसमें आप वर्कबुक वर्कशीट उसको शेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें डिफ़ॉल्ट नंबर होते हैं जो कि न्यू वर्कबुक में 3 होते हैं। अब MS Excel के जो शॉर्टकट की है और उनके फंक्शन हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसका काम है इंटर द करेंट टाइम। कंट्रोल प्लस इसका काम है इंटर द करेंट टाइम करेंट डेट। कंट्रोल प्लस स्पेस स्लैश शिफ्ट प्लस स्पेस इसका काम है इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना या फिर इंटायर रो को सेलेक्ट करना। अल्ट प्लस इजक्ल टू इसका काम है एक फार्मूला बनाना टू सम ऑल द एबव सेल। कंट्रोल प्लस इसका काम है इंसर्ट करना वैल्यू ऑफ द एबव सेल इनटू ए सेल करेंटली सेलेक्टेड। कंट्रोल प्लस एरो इसका काम है मूव टू नेक्स्ट सेक्शन टू टेक्स्ट। F2 का काम है एडिट सेलेक्टेड पेस्ट करना। F5 का काम है स्पेसिफिक सेल में जाना। कंट्रोल प्लस F6 इसका काम है स्विच बिटवीन ओपन एंड ओपन वर्कबुक एंड विंडो। F7 का काम है स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट करना, और F11 का काम है क्रिएट करना चार्ट को क्रिएट करना इसका काम है। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वह है MS PowerPoint। MS PowerPoint क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम है प्रोफेशनली लुकिंग विजुअल एड को बनाना, और इसको प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। MS PowerPoint जो होता है
उसको स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट में जाएं, प्रोग्राम में जाएं और उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्लाइड को बनाने के लिए इसमें बहुत सारे स्लाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये बहुत सारे इसमें टाइटल, ग्राफ, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स, क्लिप आर्ट और पिक्चर भी जैसे फीचर होते हैं। स्लाइड कंपोनेंट्स जो होता है रेफरेंस का यूज करता है, हैंडआउट, नोट्स और आउटलाइंस। न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू वन ऑफ दीज मेथड। यहाँ पे चार पांच मेथड दिए गए हैं, मेनली चार दिए गए हैं और इस चार मेथड में से आप किसी तरह से न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड, दूसरा है डिजाइन टेम्पलेट्स, तीसरा है सैम्पल प्रेजेंटेशन और चौथा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो कॉमन टर्म है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन जो ऐसा इफेक्ट होता है वो अलाउ करता है टू रिवील द पॉइंट ऑन ए स्लाइड वन बाई वन, यानी जो भी पॉइंट होता है स्लाइड में उसको एक एक करके दिखाने का काम करता है एनिमेशन। एक बार में ही नहीं दिखाकर उसे एक एक करके दिखाता है तो उसे एनिमेशन कहते हैं। ऑटो क्लिप आर्ट, ऑटो क्लिप आर्ट जो होता है उससे क्या होता है कि जो हमारा विंडो होता है उसको यहाँ पे पावर पॉइंट सर्चेज करता है स्लाइड शो फॉर कीवर्ड्स दैट रिलेटेड टू कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद द क्लिप आर्ट इमेज इन द क्लिप गैलरी। तो ये ऑटोमेटिक अपना क्लिप को खोजकर अपने स्लाइड पे इंसर्ट करने का काम करता है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से डायलॉग बॉक्स, द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शन दैट लेट यू चेंज द बैकग्राउंड। तो स्लाइड के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए इसमें इसका यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि बहुत सारे स्लाइड का कलेक्शन होता है, हैंडआउट्स होते हैं, स्पीकर नोट्स होते हैं, सभी के कलेक्शन को प्रेजेंटेशन कहते हैं। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड एक इंडिविजुअल पेज होता है आपके प्रेजेंटेशन का और उसको डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट टाइटल से, ग्राफिक से, टेक्स्ट से और भी बहुत सारे चीज़ें स्लाइड में इंसर्ट करते हैं। स्लाइड सॉर्टर टूल बार, स्लाइड सॉर्टर टूल बार जो होता है ये सिर्फ स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है और अलाउ करता है क्विक एक्सेस टू स्पेशल पावर पॉइंट इफेक्ट जैसे कि ट्रांजिशन, बिल्ट, रिहर्स टाइमिंग और हाइड स्लाइड। उसके बाद से आता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्ले करता है रिड्यूस इमेजेज ऑफ ऑल स्लाइड्स इन ए ग्रिड लाइक फंक्शन। दिस व्यू मेक्स इट इजियर टू रीअरेंज द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन एंड ट्रांजिशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। स्लाइड व्यू क्या होता है, स्लाइड व्यू होता है अलाउ करता है टू वर्क ऑन ए स्लाइड एट ए टाइम। वाइल इन स्लाइड व्यू यू कैन एड मैनी एनी एलिमेंट्स टू स्लाइड इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, शेप और ग्राफ्स। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके काम होते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो DBMS है, यह एक मैनेजिंग और स्ट्रक्चरिंग करने का सॉफ्टवेयर है जो कि इसका काम होता है डाटा को कलेक्ट करना कंप्यूटर में। और डाटाबेस जो होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं और एक या एक से ज़्यादा यूजर्स होता है। उसके बाद से इसमें डिजिटल फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है। डाटाबेस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है टाइप्स ऑफ देयर कंटेंट्स, एग्जांपल बिब्लियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, स्टैटिस्टिक। यहाँ पे बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। उसके बाद से होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो होता है उसका काम होता है प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ योर कंप्यूटर, यानी आपके सिस्टम को प्रिवेंट करना या फिर कोई अनऑथराइज्ड तरह से इसका यूज करे उसको डिटेक्ट करना, इसका काम है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। इस प्रोसेस को कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला जो है वह है वायरस। वायरस क्या है, एक प्रकार से मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मेलवेयर, जो कि काम करता है रेप्लिकेट्स बाय रिप्रोड्यूसिंग इट्सेल्फ, कॉपिंग इट्स ओन सोर्स कोड और इन्फेक्टिंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम। एग्जांपल कोड रेड
निम्बा, सर कैम, मेलिसा, ये सारे वायरस के टाइप्स हैं। वुट वायरस और माइक्रो वायरस और वायरस भोक्स कंपेनियन वायरस, ये सारे वायरस के टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे वायरस दिए गए हैं। वुट वायरस जो कि ट्रोजन होता है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। माइक्रो वायरस, इसका काम होता है अफेक्ट द डाटा फाइल्स। और वायरस होक्स, इसका यह एक मैसेज है जो कि रेसिपेंट को इफेक्ट करता है और उसको थ्रीट करता है। कंपेनियन वायरस जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर वायरस होता है और ये ट्रेडिशनल वायरस से बहुत ही अलग होता है और इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो है इसमें स्पाईवेयर, स्पाईवेयर जो होता है यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि सीक्रेटली कलेक्ट आपके यूजर का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जब आप इंटरनेट चलाते हैं। और जो स्पाईवेयर होता है वो कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन लाइक वेब ब्राउजिंग हैबिट्स, ईमेल मैसेजेज, यूजर नेम्स, पासवर्ड और क्रिएट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ये सारे काम करता है स्पाईवेयर के द्वारा। एडवेयर का काम है एडवर्टाइजमेंट को पॉपअप करना, बार बार दिखाना। स्पैम का काम है जब आप जीमेल पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड मैसेजेज, अनवांटेड मेल आते रहते हैं, उसे स्पैम बोलते हैं। फार्मिंग बोला जाता है जो कि मोर एडवांस मेथड है फिशिंग का। इसमें अटैकर्स क्या करते हैं, डुप्लीकेट या फिर सिमिलर वेबसाइट बनाते हैं और आपसे सारे डाटा को यहाँ से ले लेते हैं जब आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। तो कुकीज़, कुकीज़ क्या है, यह एक प्रोग्राम है या फिर इंफॉर्मेशन है जो चुपके से स्टोर किया जाता है कंप्यूटर पे, और वैसे तब जब आप इंटरनेट ब्राउज़र यूज कर रहे हैं। मेल बम, मेल बम क्या है, मेल बम जो होता है यह एक लार्ज ईमेल होता है और इसका काम होता है कि जो मैसेज आपको ईमेल किया जा रहा है उस ईमेल पे ही ये क्रैश कर देता है। स्केयरवेयर ये क्या है, कॉमन ट्रिक है साइबर क्राइम्स का जो कि यूज किया जाता है। थिंक दैट देयर कंप्यूटर बिकम्स इन्फेक्टेड विद द मालवेयर टू गेट देम टू परचेज अ फेक एप्लीकेशन। स्नीफर, स्नीफर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि मॉनिटर करता है, यूज टू मॉनिटर, जिसका यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए कि नेटवर्क में ट्रैफिक कितना है। रूट किट, यह एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, सच एज प्रोसेसेज, फाइल, विंडो, रजिस्ट्री, इंट्रीज, ये सब को हाइड करने के लिए। फिशिंग के बारे में आई थिंक हम लोगों ने ऊपर देखा, और यहाँ पे हम लोग फार्मिंग देखें, अब यहाँ पे फिशिंग देखेंगे। फिशिंग होता है दिस इज एक्वायरिंग द पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल। स्पूफिंग जो होता है एक प्रकार से स्पैम होता है जहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं कि अनऑथराइज तरीके से यूजर का सिस्टम को हैक कर लिया जाए और उसके इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाए। फायरवेयर, फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके सिस्टम को या कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है इन सभी नेटवर्क ट्रैफिक को आने से। उसके बाद से एडवेयर, एडवेयर जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंडर्स एडवर्टाइजमेंट इन द और जनरेट रिव्यू फॉर इट्स ऑथर, यानी आपको बार बार एक ही मैसेज करना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उसको एडवेयर बोलते हैं। एंटीवायरस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जोम्बी, जोम्बी क्या होता है, जोम्बी जो होता है एक कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा और हैज़ बीन कंप्रोमाइज बाय द हैकर कंप्यूटर वायरस और ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम एंड कैन बी यूज टू परफॉर्म मालियस टैक्स ऑफ वन सॉर्ट और अनदर अंडर रिमोट डायरेक्शन। यानी ये जो होता है यह कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द हैकर कंप्यूटर वायरस और ट्रोजन और तीनों मिलकर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे आपको सिस्टम को ट्रैक कर सकें दूर बैठे ही और आपकी डाटा को चुरा लें। कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मोनोलॉजी कुछ टर्म है यहाँ पे, बहुत सारे टर्म है जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टर्म है, आप देख सकते हैं बहुत सारे टर्म है, तो आपको घबराना नहीं है, सारे टर्म को आप यहाँ पे देखिए। पहला टर्म है एक्सेस, एक्सेस का मतलब है टू कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज।
एक्सेस टाइम यानी जितने देर के लिए आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर करके उसे एक्सेस करते हैं उसी को एक्सेस टाइम बोला जाता है। एक्यूमुलेटर एक लोकल स्टोरेज एरिया जिसको रजिस्टर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन काम करते हैं उसे एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एडेप्टर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर में लगा होता है और एडिशनल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। एम्पलीफायर जो होता है डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और उसको एक जगह भेजता है। एनालॉग कंप्यूटर यह कैसा कंप्यूटर है जो कि डाटा पे काम करता है, विच इज़ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड्रॉयड क्या है, यह एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिवाइस है जिसको टच स्क्रीन मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर को कहते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें बहुत सारे अल्फाबेटिकल नंबर बेस कॉम्बिनेशन को अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। आर्चीव का काम होता है स्टोरेज का बैकअप देना। असेंबलर का काम है एक प्रोग्राम जो कि ट्रांसलेट करता है मेमोनिक स्टेटमेंट इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। बैकअप इसका मतलब है स्टोरेज ऑफ डुप्लीकेट फाइल्स ऑन डिस्क डिस्केट्स और सम अदर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मीडियम सच एज सेफ्टी मेजर इन केस ऑफ ओरिजिनल मीडियम इज डैमेज्ड और लॉस्ट। बैक स्पेस की इसका काम है कि एक ऐसा की है जो कि यूज किया जाता है कीबोर्ड में टू डिलीट द टेक्स्ट। बैकअप स्पेस की डिलीट द टेक्स्ट और टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैंडविड्थ का काम है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ट्रेवल इन अ कम्युनिकेशन पाथ इन ए गिवन टाइम मेजर्ड इन अ बीट पर सेकेंड। बारकोड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बारकोड का मतलब होता है यहाँ पे एक मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को बताता है विजुअल फॉर्मेट में। और ये जो फर्स्ट बारकोड बनाया गया था वो डेवलप किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा और इनके साथ थे बर्नार्ड सिल्वर और ये 1952 में बनाया गया था। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस इसका फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। बायोस का फुल फॉर्म हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ये रोम बायोस के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम है कि प्रोवाइड करना एब्स्ट्रैक्शन लेयर को फॉर हार्डवेयर और एक कंसिस्टेंट वे है सब एप्लीकेशन प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरेक्ट करने के लिए। बाइनरी कोड जो होता है वह एक लैंग्वेज है यूज बाय कंप्यूटर इन विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ वन और जीरो। बिट मैप होता है एक मेथड है स्टोरिंग करने का ग्राफिक इमेज को एज अ सेट ऑफ बिट्स इन अ कंप्यूटर मेमोरी टू डिस्प्ले द इमेज ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर कन्वर्ट्स द बिट इनटू द पिक्सल। ब्लॉग क्या होता है, यह एक डिस्कशन है या इंफॉर्मेशनल साइट है पब्लिश ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ब्लूटूथ आप सभी जानते हैं एक प्रोटोकॉल है जो परमिट करता है वायरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर सेल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन ए रेडियस अबाउट 30 feet। बूटिंग एक बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है। तो बोटनेट एक कलेक्शन है इंटरनेट कनेक्टेड प्रोग्राम कम्युनिकेटिंग का जो सिमिलर होता है प्रोग्राम इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क। बूट क्या होता है, बूट होता है एक सीक्वेंस। ए बूट सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन द कंप्यूटर परफॉर्म्स व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन विच लोड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बफरिंग जो होता है यह एक प्रोसेस है स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने का मेमोरी डिवाइस में और यहाँ पे डिवाइस को अलाउ करना टू चेंज द डाटा रेट्स परफॉर्म एरर चेकिंग और एरर ट्रांसमिशन रिट्रांसमिट करने का काम करता है बफरिंग। बग जो होता है एक सिस्टम बग इज एरर होता है फ्लॉ होता है फेल्यूर होता है फॉल्ट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। बस जो होता है एक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रेवल करती है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम जो होता है
इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे न्यूमेरिक सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, उसको वन या जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। चिप जो होता है एक टाइनी वेफर होता है सिलिकॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। कमांड जो होता है इंस्ट्रक्शन है जो करता है प्रोग्राम और कंप्यूटर टू परफॉर्म ए फंक्शन। इसके बाद से कंपाइलर जो होता है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट्स ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए वन कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि दूसरे में होता है। कम्युनिकेशन यानी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। कंप्यूटर ग्राफिक जो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर स्क्रीन का। कोल्ड बूट, कोल्ड बूट क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है रीस्टार्ट करता है आफ्टर द पावर कट इज, तो उसको कोल्ड बूट बोलते हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्या है, यह एक विंडो मेनू है, इसका पार्ट है जो कि स्टार्ट मेनू से एक्सेस होता है, और इसमें बहुत सारे यूजर को अलाउ और मैनिपुलेट करने का सिस्टम होता है। बेसिक सेटिंग रहता है, कंट्रोल रहता है, और एडिंग हार्डवेयर और एडिंग और रिमूव आप सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। चैट क्या है, एक मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें मैसेज के रूप में आप टेक्स्ट एक दूसरे को भेजते हैं। क्लिप बोर्ड क्या है, एक होल्डिंग एरिया है जो कि मेमोरी में रहता है, और इसमें इंफॉर्मेशन को कॉपी या कट किया जाता है। सीमॉस क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर चिप है जो कि क्या करता है, ऑपरेट करता है विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुकी है एक पैकेट जो कि इंफॉर्मेशन को, एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में चलता है। क्रैश एक माल फंक्शन होता है हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है कंप्यूटर को काम करने से रोकता है, नहीं कीप डेट कीप्स ए कंप्यूटर फ्रॉम फंक्शनिंग, मतलब काम करने से रोकता है, इसी को क्रैश बोलते हैं। क्रॉलर ये एक इंटरनेट बोट है जो कि ब्राउज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। डाटा क्या है, डाटा एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है जिसमें लेटर, नंबर, सिंबल, साउंड या फिर इमेज हो सकता है। डाटाबेस एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ये रिडक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी ऑफ डाटा टू ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल। इसके बाद से आता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है डॉस का फुल फॉर्म, और ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्क स्टोरेज डिवाइस में रहता है, और इसको फ्लॉपी डिस्क में भी बोला जा सकता है। डिबॉगिंग यानी लोकेटिंग और एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स इन ए प्रोग्राम। डिलीट यानी किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज से डिलीट हटाना। डायरेक्टरी माने लिस्ट ऑफ द फाइल्स स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। डॉट पर इंच DPI इसका मतलब है मेजर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर। डाउनलोड का मतलब है कॉपी या डाउन डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। एडिटिंग का मतलब होता है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय इंसर्टिंग, डिलीटिंग, रिप्लेसिंग, रीअरेंजिंग और रीफॉर्मेटिंग। EDO यानी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम, यह एक प्रकार का रैम है जो कि यहाँ पे टाइम को इम्प्रूव करता है मेमोरी ऑन फास्टर माइक्रो प्रोसेसर सच एज इंटेल पेंटियम, तो मेमोरी को जल्दी से रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इनकैप्सुलेशन यह एक मैकेनिज्म है जो कि एसोसिएटेड है कोड से और डाटा से। इनक्रिप्शन मतलब क्रिप्टोग्राफी। इनक्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेजेज और इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट हैकर्स कैन नॉट रीड। इस तरह से उसको कोड किया जाता है ताकि बीच में उसको हैकर रीड करके नहीं समझ पाए। एंड यूजर यानी एनी इंडिविजुअल हु यूजेज द इंफॉर्मेशन ऑपरेटेड बाई ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। एंटिटी यानी एंटिटी क्या है, एक समथिंग दैट हैज ए सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी विच मे बी असाइंड वैल्यूज। इथरनेट कार्ड, इथरनेट कार्ड जो होता है एडेप्टर होता है दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ इंटरनेट। एग्जीक्यूशन टाइम टोटल टाइम जो काम करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। एक्सपोर्ट यानी
सेव करना एक इन्फॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कहलाता है। फैक्स यानी फैसिमाइल मशीन, फैसिमाइल मशीन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका मतलब है ट्रांसमिट करना एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक। फील्ड जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है एंटिटी का। उसके बाद से आता है फाइल, फाइल जो होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइल बोलते हैं, और एवरी फाइल मस्ट हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम। फाइल मैनेजर जहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे यूजर इंटरफेस होते हैं ताकि फाइल सिस्टम बनाया जा सके। फाइल सर्वर, फाइल सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है ऑन ए नेटवर्क डैट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा फाइल शेयर बाई द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। फर्मवेयर एक टेक्नोलॉजी है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करता है। फैक्स मॉडेम एक डिवाइस है जो कि बिल्ड होता है और अटैच होता है कंप्यूटर में, और इसका काम होता है फैसिमाइल मशीन को सर्व करना और उसको फंक्शन करना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये करता है, नंबर का साइन करता है, और हेल्ड इन ट्रैक्शन एक्सपोर्टेंट कंपोनेंट। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो सर्कुलर पीस ऑफ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम से बना होता है। फ्लो चार्ट जो होता है वो मीन्स ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग ऑफ फ्लो डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेशन एंड ऑपरेशन एंड परफॉर्म विद इन द सिस्टम। फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट यानी किसी भी सेट मार्जिन टेब फॉन्ट और लाइन स्पेसिंग इन लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। फ्रेम क्या है, एक बेसिक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिग्नल पर यूनिट टाइम, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हर्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन की, एक स्पेशल की होता है कंप्यूटर कीबोर्ड में और टर्मिनल डिवाइस में जो कि इसका काम है परफॉर्म स्पेशल स्पेसिफिक फंक्शन को काम करना। F1 से लेकर F10 तक रहता है। जीगा हर्ट जो होता है एक मेजरमेंट होता है टू आइडेंटिफाई स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और इसका मतलब है कि ये काम करता है मोस्ट कंप्यूटर इरर्स आर नॉट इरर्स, दे आर डाटा इरर्स कॉज बाई द इनकरेक्ट इनपुट, उसको ये बाहर निकालता है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट यानी GIF, इसका मतलब है एक सिंपल फॉर्मेट फॉर द पिक्चर और फोटोग्राफ्स दैट आर कंप्रेस सो दैट दे कैन बी सेंट क्विकली। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, और इसका मतलब होता है कि ये एक मेथड है इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर थ्रू ए मेटाफोर ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग ऑफ ग्राफिकल इमेजेज और विजेट इन एडिशन टू टेक्स्ट। ग्लिच, ग्लिच क्या है, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर को क्या करता है, माल फंक्शन और क्रैश करता है। हार्ड कॉपी आप जानते हैं टेक्स्ट या ग्राफिकल प्रिंटेड होता है पेपर पे। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक रिजिड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मीडियम होता है और ये डाटा स्टोर करने का काम करता है। हार्डवेयर जिसको आप फिजिकली छू सकते हैं कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है। होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर है एक कंप्यूटर जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और सर्विस टू अदर कंप्यूटर। हैकर, हैकर का मतलब है कंप्यूटर क्रिमिनल होता है जो कि काम करता है उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम को चुराना या सिस्टम को हैक कर देना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी और सी प्लस हो गया। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी तुरंत मैसेजिंग करना, इसको चैट भी बोल सकते हैं, चैट बॉक्स होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो होता है एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि टाइनी सिलिकॉन चिप से बना होता है। इंटरफेस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है और ये दो इक्विपमेंट को लिंक करता है ताकि कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। इंट्रानेट मतलब होता है एक प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। आइकॉन, आइकॉन का मतलब है एक सिंबल होता है या फिर पिक्चर, पिक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि ये फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी डाटा का समराइजेशन। इनपुट का मतलब होता है आप कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड या फिर कोई भी ऐसा
सॉफ्ट प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर उसके बेसिस पे काम करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी फेचिंग और डिकोडिंग ऑपरेशन ऑफ मशीन साइकिल। इंटरफेस का मतलब है कंप्यूटर या प्रोग्राम के डिवाइस का जो इसमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए। इंटरप्रेटर यानी प्रोग्राम जो होता है कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में लाइन बाई लाइन। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये सिलिकॉन चिप से बना होता है। जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका काम होता है एप्लेट को प्रोग्राम करना ओवर इंटरनेट। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि अलाइनिंग ऑफ टेक्स्ट एट लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बोथ मार्जिन। JPEG का फुल फॉर्म याद रखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और ये एक इमेज का टाइप है। कर्नेल का मतलब होता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रोग्राम सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिसाइड्स इन मेमोरी एट ऑल टाइम। की फील्ड एक यूनिक फील्ड है जो कि रिकॉर्ड में होता है, और इसका यूज एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को डिस्टिंग्विज करना यानी डिफरेंट करना है। लेबल का मतलब होता है वन और मोर कैरेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन और डाटा फील्ड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। लैंडस्केप इसका मतलब होता है एक प्रिंटर फीचर है जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरली कंट्रोल किया जाता है और इसको रोटेट करता है ताकि ये 90 डिग्री पे प्रिंट हो सके। लिंक का मतलब है कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू नोड्स। लिनक्स का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जब इसको कंबाइन किया जाता है दूसरे कंपोनेंट से तो लिनक्स जो होता है वो पॉपुलरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। लूप का मतलब है एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का जो कि बार बार इसको एग्जीक्यूट करता है जब तक के यहाँ पे जो कंडीशन है टर्मिनेट ना करे। मेगाहर्ट का मतलब है कि यहाँ पे CPU का स्पीड मापना है। मेमोरी का मतलब है कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसे मेमोरी बोलते हैं। मेन्यू मतलब यहाँ पे बहुत सारे चॉइस होते हैं डिस्प्ले पे, उसे मेन्यू बोलते हैं। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से अधिक फाइल्स को एक फाइल में कंबाइन कर देना। माइक्रो प्रोसेसर माने कंप्लीट CPU का जो यहाँ पे सिंगल सिलिकॉन चिप रहता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। MIDI यानी यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और ये काम करता है स्टोर और रिप्ले द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। मिनिमाइज यानी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये काम क्या करता है कि ये सबसे पहले अलाउ करता है विंडो को कि आइकन या फिर लेवल होता है उसको मिनिमाइज कर दे। MIPS यानी इसका मतलब है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और इसका काम है प्रोसेसर के स्पीड को मापना। मॉर्फिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इमेज। MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे वर्क एक ही समय में करना, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग यानी एक फैसिलिटी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, और इसका काम है मल्टीपल फंक्शन को अलाउ करना फ्रॉम द सेम एप्लीकेशन पैकेज। मल्टी यूजर यानी द टर्म डिस्क्राइबिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू बी ऑपरेटेड एट मोर देन वन टर्मिनल एट द सेम टाइम। मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है जो कि इसका काम है इनपुट सिग्नल को मल्टीपल कंबाइन करना और उसको एक एग्रीगेट सिग्नल में ट्रांसमिट करना। नोटबुक का मतलब है एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, और इसे लैपटॉप भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ए क्लास वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स फंक्शन एंड डाटा स्ट्रक्चर। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक यहाँ पे सभी कोई जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनल फंक्शन को मैनेज करता है और इंटायर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी OSS इसका मतलब है कि यह फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस भी हो सकता है, और जिसका यूज होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मॉडिफाई करना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR यह एक डिवाइस है जिसका काम है स्कैन करता है टेक्स्ट को, और उसको क्या करता है कि ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंटर करता है ताकि स्टोरेज में स्टोर हो जाए। पासवर्ड यानी एक आइडेंटिफिकेशन कोड है, सभी को ही जानते हैं पासवर्ड के बारे में। पैच
पैच एक पीस होता है, सॉफ्टवेयर का पीस है। और इसको काम क्या किया जाता है, इसका काम है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट करना और जो भी यहाँ पे सपोर्टिंग डाटा है उसको फिक्स करते रहना और उसके जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। पायरेसी यानी अनऑथराइज कॉपी ऑफ सम परचेज सॉफ्टवेयर, कोई खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है और उसका कॉपी कर लेना, उसको पायरेसी बोलते हैं। पिक्सल यानी बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामेबल कलर ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले या फिर कंप्यूटिंग इमेज, उसको पिक्सल बोलते हैं। पोर्ट का मतलब है फीमेल पार्ट ऑफ कनेक्शन। और कंप्यूटर पोर्ट्स जो होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं जिससे मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट्रेट यानी एक मोड है जिसमें प्रिंटर ओरिएट्स द कनेक्ट टू द रीडर अक्रॉस द शॉर्टर लेंथ। प्लग एंड प्ले, इसका मतलब है एबिलिटी टू प्लग इन ए पेरिफेरल एंड हैव इट टू वर्क विदाउट डिफिकल्टी। प्राइमरी की का मतलब है एक फील्ड है टेबल में जिससे यूनिक रहता है, विच इज यूनिक एंड इलेबल्स यू टू आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। प्रोग्राम क्या है, एक सीक्वेंस है इस्टेब्लिश इंस्ट्रक्शन का। और इसमें प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर। सीडो कोड यानी एक आर्टिफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है और यह प्रोग्रामर को हेल्प करता है एल्गोरिदम बनाने में। पुश टेक्नोलॉजी का मतलब एक प्रोसेस जो कि यूजर को अलाउ करे कि वो एक ऑटोमेटिक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त करे इंटरनेट से, जैसे कि स्टॉक मार्केट, वेदर फॉरकास्ट, इन सभी का इंफॉर्मेशन उसको पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्यूरी का मतलब है एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। क्यू मतलब इसका होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और मोर एब्स्ट्रैक्टली सीक्वेंशियल कलेक्शन। रिकॉर्ड का यहाँ पे मतलब है एक स्ट्रक्ट और कंपाउंड डाटा जो कि बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। रिकॉर्ड जो होता है बहुत सारे फील्ड पॉसिबली डिफरेंट डाटा टाइप्स के कलेक्शन को कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइप यानी जितने समय में कंप्यूटर को लगता है एग्जीक्यूट या कमांड देने में। रिट्राइव यानी इंफॉर्मेशन को मेमोरी से लेना। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF एक फाइल फॉर्मेट है जो कि एक्सचेंज करता है टेक्स्ट फाइल्स बिटवीन डिफरेंट वर्ड प्रोसेस। राउटिंग का मतलब है एक प्रोसेस है सेलेक्टिंग पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क और बिटवीन और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। स्कैनर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। स्क्रॉल यानी किसी भी विंडो या फिर स्क्रीन को ऊपर या नीचे करना, उसे स्क्रॉल कहा जाता है, माउस के द्वारा किया जाता है। सर्च इंजन यानी फ्री प्रोग्राम है जो कि वेब यूजर को यहाँ पे डाटा को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। सेक्टर यानी सब डिवीजन ऑफ ए ट्रैक मैग्नेटिक डिस्क होता है। सर्वर के बारे में देखा जो कि यहाँ पे क्लाइंट को भेजता है इंफॉर्मेशन। शेयरवेयर मतलब होता है कि यूजुअली मे बी डाउनलोडेड एंड यूज इनिशियली विदाउट चार्ज। सॉकेट होता है एक एंड पॉइंट कनेक्शन का जिस जो कंप्यूटर नेटवर्क में रहता है। स्वैपिंग इज अ प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्पोरली आउट ऑफ अ मेमोरी टू बी बैकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉट बैक इनटू द मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब है कि जो इवेंट्स होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है उसका कोऑर्डिनेशन करना। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाई मीन्स ऑफ टेलीफोन्स, सेटेलाइट्स और अदर डिवाइस। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस करना यूजिंग कंप्यूटर वीडियो टेलीकम्युनिकेशन। टेलनेट का मतलब होता है एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को ताकि वो कनेक्ट कर सके और जो होस्ट कंप्यूटर है इंटरनेट के द्वारा। टेम्पलेट का मतलब है सैम्पल डॉक्यूमेंट डेट हैज ऑलरेडी सम डिटेल्स इन प्लेस। टर्मिनल का मतलब होता है एनी डिवाइस डेट कैन ट्रांसमिट और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट यानी कोई भी मटेरियल जो कि स्क्रीन पे दिखाई देता है प्रिंटेड फॉर्म में। टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग, इसका मतलब है एक टेक्निक है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ये टर्मिनल्स पे लोकेटेड होता है और इसका यूज किया जाता है ताकि टू ए पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। टोपोलॉजी का मतलब रहता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि लिंक नोड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टच पैड का मतलब है डिवाइस है जो कि लैपटॉप कंप्यूटर पर रहता है, प्लेस ऑफ द माउस। यूनिवर्सल सीरियल बस,
इसका मतलब है एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द कनेक्टिंग मल्टीपल पेरिफेरल टू ए कंप्यूटर। अपलोड यानी किसी भी फाइल को अपलोड करना, यूटिलिटी यानी एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि काम करता है एडिशन का, यूजर फ्रेंडली यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेट इज ईजी टू यूज। वेबकैम का मतलब होता है वीडियो कैमरा जो कि लाइव में इमेज देने का काम करता है वेबसाइट पे। जिप का मतलब होता है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट डेट सपोर्ट लॉसेस लेस डाटा कंप्रेशन। जिप फाइल में कंटेन वन और मोर फाइल्स। जूम का मतलब होता है जूम इज अनदर नेम ऑफ फॉर द मैक्सिमाइज और लार्ज डाटा साइज और इमेज साइज को या डाटा साइज को जूम आउट कर देता है या जूम इन कर देता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी कुछ इसके शॉर्ट नेम और उसका फुल फॉर्म जो कि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे है सभी को देख लेंगे। सीरियल वाइज देखते हैं ए से लेकर जेड तक। पहला है डबल ए सी यानी एडवांस ऑडियो कोडिंग। ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए एम आर यानी एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेड। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ABI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बेसिक यानी बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। BHTML यानी ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट। BMP यानी बीट मैप। BPS यानी बाइट्स पर सेकेंड। CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD-D कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। CAI यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CDMA इसका मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA इसका मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-REW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। CPU इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT कैथोड रे ट्यूब। CUI इसका मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। DAT इसका मतलब डिजिटल ऑडियो टेप। डिजिटल ऑडियो टेप DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS। डॉक यानी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI डॉट पर इंच। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD RAM यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD ROM डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे DVD रीड W है जो कि इसका मतलब है रीड या राइट। DVI का मतलब हुआ डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। EDGE का मतलब होता है इन्हेंस डाटा रेट फॉर GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर। इसके बाद से यहाँ पे और भी हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Z का फुल फॉर्म जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। KBPS का फुल फॉर्म किलोबाइट या किलोबाइट्स पर सेकेंड।
लेड का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, M3G का फुल फॉर्म मोबाइल 3D ग्राफिक्स, M4A यानी MPEG-4 ऑडियो फाइल, MBPS का मेगाबिट्स पर सेकेंड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MIME का मतलब मल्टीपल पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, नेट का फुल फॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, OCR फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, P2P यानी पीयर टू पीयर, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SWF शॉक वेव फ्लैश, TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UHF का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवेक फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम इक्वेटेड कंप्यूटर, UPS फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, URL फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, WIOP वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, WAS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें सारे जो कंप्यूटर के एब्रीविएशन थे वो लगभग हम लोगों ने सभी देख लिए। और इस तरह हमारा जो मास्टर वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ब्रीफ में देखा है, और इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार ज़रूर देख कर जाएँ। इससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बहुत कम है। हालाँकि इसमें से जो मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को बताया है, क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं आपके। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और मेरा जो आपको एक मास्टर वीडियो देने का जो मोटिव था, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, ऐसा इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।